हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप IPPB मोबाइल ऐप से सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें चलना है IPPB मोबाइल ऐप पर। गाइज, लॉगिन के लिए लोकेशन रिक्वायर्ड होता है, तो आपको लोकेशन ऑन कर लेना है और उसके बाद MPIN एंटर करके लॉगिन कर लेना है। मैंने MPIN एंटर कर दिया है और मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे सबसे ऊपर मेरा नाम शो कर रहा है। इसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें आँख वाले आइकन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस है 129 रुपये 60 पैसे। हमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। माई सर्विसेज़ के अंडर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सर्विसेज़ का, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब हमें बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे, हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे क्लिक करना है। गाइज, हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद हमें DOP कस्टमर ID एंटर करना है, देन हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। गाइज, ये सारी डिटेल्स आपको सुकन्या समृद्धि पासबुक पे मिल जाएगी। मैंने अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी एंटर कर दिया है, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। गाइज, यहाँ पे जिसके नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसका नाम शो कर रहा है और नाम के आगे एक्टिव शो कर रहा है, मतलब कि ये अकाउंट एक्टिव है, और नाम के नीचे DOP कस्टमर आईडी शो कर रहा है। गाइज, इसके नीचे आप डिपॉजिट लिमिट पर ईयर देख सकते हैं, जो कि है 100 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक। तो गाइज, आप एक साल के अंदर 100 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के जमा कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे दिखा रहा है करेंट ईयर डिपॉजिट, जो कि 15,000 रुपये है। तो इस साल मैंने अभी तक 15,000 रुपये जमा कर दिए हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। गाइज, मैं अभी 100 रुपये जमा करूँगी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट शो कर रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है और जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है वहाँ पर आपको लिख देना है। तो हम मुझे यहाँ पर अभी 100 रुपये जमा करने हैं, तो मैं यहाँ पर 100 रुपये लिख दूँगी। मैंने यहाँ पे 100 रुपये लिख दिए हैं, अब मैं पे पे क्लिक करती हूँ। अभी हमें कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, तो हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैंने OTP एंटर कर दिया, अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज शो कर रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, मतलब कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। हमने यहाँ पे 100 रुपये सक्सेसफुली IPPB बैंक अकाउंट से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम शो कर रहा है और पेड अमाउंट भी शो कर रहा है, जितने हमें ट्रांसफ़र किए हैं रुपए। साथ में हमें रेफरेंस नंबर भी शो कर रहा है। गाइस, नीचे हमारे पास एक मैसेज शो कर रहा है ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंड टू द कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब हमें गो टू होम पे क्लिक करना है। अब मैं फिर से होम पेज पे आ चुकी हूँ, अब मैं अपना बैलेंस फिर से चेक करती हूँ। मैं आँख वाले आइकन पे क्लिक करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस 100 रुपये कम हो गया है। अभी आप देख सकते हैं अभी 29 रुपये 60 पैसे हैं। अब हम फिर से चलते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर। तो मैं पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पर क्लिक करती हूँ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट पेमेंट्स में अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट शो कर रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो मेरा करंट ईयर डिपॉजिट है अब 15,100 रुपये हो गया है, अब जो कि 15,000 रुपये था पहले, अब हमने 100 रुपये डाल दिए तो हो गया ये अभी 15,100 रुपये। तो गाइस, ये था पूरा वीडियो कि आप IPPB बैंक अकाउंट से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ पर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।